of the mandir is entirely Rajasthani red sandstone. The entire carving has been done by very talented handcraftsmen from India. और ये जो और अंदर का जो पूरा मंदिर है वो इसमें मार्बल यूज़ किया है. ये पूरे मंदिर में स्टोन्स को अटैच करने के लिए कहीं पे भी स्टील या आयरन का यूज़ नहीं किया है. इट्स लाइक एन एंटायर जिग्सॉ पज़ल. यहाँ पे आप जो मंदिर देख रहे हैं वो है तीन नदियों के संगम पे बना हुआ है. सो गंगा, यमुना, सरस्वती जो त्रिवेणी संगम बोलते हैं. तो आप देख रहे हैं मेरे राइट में है गंगा है, वहाँ पे एम्फीथिएटर बनाया हुआ है. एम्फीथिएटर सेम लाइक द वाराणसी गंगा जो घाट है वहाँ पे बैठ के हम यहाँ पे बैठते हैं, स्टेप्स पे बैठते हैं, गंगा नदी बह रही है और जो आरती होती शाम को. तो यहाँ पे भी सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आरती होगी. The pallets that were brought here, the stones that were brought here in pallets, something as small as a 5 kg to 20 tons. And through all this period, you must have had more than 700 shipments coming across. Not a single piece had been broken. The pallets then were used to make the beautiful benches, the chairs, the tables, everything that we have in the orchard here.